हे बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? किस किस ने एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया? तो ये एसबीआई क्लर्क मेंस का मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस है। कैसा पेपर आया था, कैसा पेपर रहा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में इतने एकदम क्वेश्चन एग्जैक्टली याद भी नहीं है। थोड़ा टाइम हो गया है, कल शाम को दिए थे, कल रात टाइम नहीं मिला के थोड़ी तबीयत से भी खराब लग रही थी। फिर कल हमारा उत्तराखंड वालों का त्योहार था तो रात को थोड़ा वैसे ही बिजी हो गया, तो अभी बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं, मैं आपको टाइप बता देता हूँ कि कैसे कैसे आए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी, ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है जो 1:30 बजे के आसपास जिसमें रिपोर्टिंग टाइम था। इंग्लिश में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था मेरे में, लास्ट में था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर चेक काफी सारे थे, दो तीन टाइप के थे। एक लाइन वाइज में था कि इसमें आपको एक दे रखा है कि वो ठीक है, इसके अलावा तीन है, इनमें गलती है या नहीं है, एरर और नॉट, या इनमें से कौन से दो ठीक हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप में ग्रामर चेक आई थी, पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन थे जो काफी अलग अलग तरह से घुमा घुमा के पूछे थे। इसलिए इसकी वजह से इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपके वर्ड इंटरचेंज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब ईजी होते हैं और ग्रामर चेक थोड़ा हार्ड होता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक मंक के ऊपर था। वर्ड इंटरचेंज में ऐसे वाले थे कि चार शब्द हैं, इनको कौन आगे पीछे करके सही मीनिंग बन जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन थे। बहुत हार्ड नहीं थे, मॉडरेट भी नहीं, इजी लेवल पे ही थे, इजी टू मॉडरेट के बीच में थे वर्ड इंटरचेंज। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो FECDB ECDB वाले जो छह अक्षर के सेंटेंस ही होते हैं, नीचे दिया होता है इनको कौन से में सही हो जाएगा, कि एक ही सेंटेंस होता है, वो जो इजी वाले होते हैं वो वाले आए थे, पैराजम्बल नहीं आए थे। ये तो इनके अलावा भी थोड़े मिसलिनियस कुछ कुछ क्वेश्चन थे, पर मेनली यही था। ग्रामर चेक 10-12 क्वेश्चन थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद 8-10 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, वर्ड इंटरचेंज के 4-5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन शायद सेंटेंस अरेंजमेंट के, बाकी 5-6 क्वेश्चन मिसलिनियस थे लगभग 40 क्वेश्चन में, ऐसा ऐसा ही था। उसके अलावा एक दो चीजें और छोटी मोटी थी, पर मेन मेजर चीजें यही थी। इंग्लिश अगर मैं लेवल बोलूँ तो इंग्लिश मॉडरेट लेवल की थी। IBPS PO मेंस की बात करूँ, अगर उसे कंपेयर करूँ तो IBPS PO मेंस में न्यू क्वेश्चन आए थे, नए तरह के क्वेश्चन आए थे, पर वो क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे, पर इसमें क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड थे, खास करके ग्रामर चेक। अगर किसी ने क्वेश्चंस के हिसाब से ग्रामर चेक पढ़ी है तो उसके लिए वो इजी थे, जैसे क्लासेस वाइज जिसने पढ़ा है, पर अगर किसी ने क्लासेस वाइज नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ग्रामर चेक थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो मैंने क्लासेस वाइज नहीं पढ़ा था तो मेरे को भी ग्रामर चेक हल्की डिफिकल्ट लगी, जबकि मेरे IBPS PO मेंस में 35 के अराउंड नंबर आए थे। मुझे लग रहा है यहाँ 40 में से 30 के अराउंड आएंगे, मे बी 28-29। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट की 3-4 DI थी, वही छोटी मोटी कि एक तो पाई चार्ट वाली थी कि उसमें दे रखे हैं, और 2-3 मिसिंग डेटा वाली DI थी, एक रॉन्ग नंबर सीरीज थी जो वो डबल वाली, उसमें 2-3 थे वैसे क्वेश्चन की उसमें बीच में आपको दिया है कोई रॉन्ग नंबर है, फिर रॉन्ग नंबर जो है वो ए है, बी है, और ए बी से पूरे क्वेश्चन बनाने हैं, 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे। अप्रोक्सीमेशन थी 5, इजी थी अप्रोक्सीमेशन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, इजी थी अप्रोक्सीमेशन, और अप्रोक्सीमेशन की वजह से ही क्वांट जो है वो थोड़ी इजी हुई थी। फिर एक टाइम एंड वर्क के रेशियो के एवरेज के, वही जो हमारा अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक में ये सब चीजें थी, टाइम एंड वर्क का रेशियो था, एवरेज था, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप, CI एंड SI, बोट एंड स्ट्रीम, ऐसे बहुत सारे अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट थे, 3-4 DI थी, और इतने तो क्वांट में, क्वांट थोड़ी इजी थी अगर IBPS PO मेंस से कंपेयर, IBPS क्लर्क के लेवल की थी अगर इसने दिया था तो, IBPS PO मेंस से बहुत इजी थी। IBPS PO मेंस की क्वांट तो बहुत ज्यादा हार्ड थी, इसलिए उसकी कट ऑफ दो गई थी। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है SBI में, पर अगर आप एक 10-15 प्लस स्कोर ला रहे हैं तो इस क्वांट में 15 प्लस स्कोर अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी इस बार जिस स्टेट में पिछली बार जितनी भी गई थी उससे आप ये मान लीजिए कि 25 मार्क्स कम जाएगी लगभग। तो अगर आपके स्टेट में पिछले 95 गई थी तो इस बार आप 70 के अराउंड मान सकते हैं, प्लस माइनस 5 की, प्लस 5 मान लीजिए 70 से 75 के बीच में जाएगी अगर आपकी पिछली बार 95 कट ऑफ थी आपकी फाइनल कट ऑफ SBI क्लर्क मेंस की, तो इस बार आप समझ सकते हैं कि आपकी 70-75 के बीच में आएगी, क्योंकि पेपर हार्ड था तो मुझे कट ऑफ गिरेगी। तो जैसे मैं अपने शेड बताऊं तो वहां शायद 98 थी, तो 98 से आप 25 मार्क्स मांगने के लिए 73 से 78 के बीच में, इतनी मुझे लगता है कि इतनी जानी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर हमने देखा, ये देखा तो
थोड़ा हार्ड, थोड़ा क्या, काफी ज्यादा हार्ड था, रीजनिंग हार्ड थी, और सबसे ज्यादा हार्ड जीके थी। इस बार जीके पर्सनली मेरी वीक ही है, तो जीके तो मेरे को हमेशा ही हार्ड लगती है, चाहे वो कितनी ईजी आए चाहे वो कितनी हार्ड आए। पर जो बाकी काफी लोग साथ में बैठे थे उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी अच्छे जीके की तैयारी करी है, फिर भी उनको जीके काफी ज्यादा हार्ड लगी, क्वेश्चन बहुत हार्ड आए थे, और क्वेश्चन सही में बहुत हार्ड आए थे। करंट में काफी पीछे पीछे तक के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, स्टैटिक जीके जो हमारी बैंकिंग स्टैटिक होती है वो भी काफी ज्यादा हार्ड थी, आरबीआई के लॉज वगैरह जो पूछे थे, या जो भी किसी चीज से लॉज वगैरह किसमें कितना, वो बहुत डिटेल में पूछे थे। प्राइस वगैरह जो पूछे थे कि इसको कितना प्रॉफिट, वो भी काफी डिटेल में, मतलब क्वेश्चन थे तो डिटेल में क्वेश्चन थे, बहुत डिटेल में जिसने पढ़ा तो काफी जीके हार्ड थी। अगर मैं बोलूँ कि सेक्शनल कट ऑफ होती होती नहीं है, पर अगर होती तो 2 नंबर या 3 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाती जीके की। पर अगर जीके में कोई 15 स्कोर कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है। मतलब जो लोग 25-30, पिछली बार एसबीआई क्लर्क में बोल रहे थे कि उन्होंने मेंस में 25-30 के आसपास स्कोर किया, वो इस बार बोल रहे थे कि उन्होंने 15-20 ही अटेम्प्ट करे हैं। तो इस बार अगर आपने 15 के आसपास अटेम्प्ट करे हैं तो वो अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। रीजनिंग की बात करते तो कोडेड डायरेक्शन सेंस थी, कोडेड इनइक्वालिटीज थी, कोडेड सिलॉज थे, बहुत सारी चीजें, कोडेड फैमिली रिलेशन थे, ये सब कोडेड आए थे। फिर एक हेक्सागनल बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था, एक सिटी बेस्ड पजल था। सिटी बेस्ड पजल वो देखने में बहुत इजी लग रहा था, मैंने करा तो वो मेरा तो नहीं बना, बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, फिर मैंने लगा बाद में करेंगे, फिर बाद में आया। एक मशीन इनपुट आउटपुट था, मैं नहीं करा तो लेवल नहीं बता सकते। और मिसलिनियस क्वेश्चन थे कुछ, ये न्यूमेरिक सीरीज लिख दिया, न्यूमेरिक सीरीज गलती से लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिखना था शायद कुछ। और एक पजल और बताऊं तो भी ध्यान में नहीं आ रही, दो पजल तो काफी बड़ी बड़ी वाली थी जो 2 नंबर वाली होती है, और बाकी ये हेक्सागनल बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट थी वो काफी इजी थी। सिटी बेस्ड पजल भी मॉडरेट लेवल की थी, बहुत हार्ड नहीं थी, हेक्सागनल बेस्ड काफी ज्यादा इजी थी और उसके क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं थे, तो 4 नंबर तो वहाँ काफी इजिली बन सकते थे। पर रीजनिंग ओवरऑल टफ थी इस बार, अगर आपके रीजनिंग में 15 से 20 अटेम्प्ट हुए हैं, 20 अटेम्प्ट हुए हैं और एक्यूरेसी के साथ 20 अटेम्प्ट हुए सेकंड शिफ्ट में, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। अगर कोई बहुत अच्छी तैयारी किसी ने कर रखी थी तो मैं बोलूंगा कि 100+ अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल थे, क्योंकि आप अगर उसको हटा दीजिए तो भी, मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं सुना वहां किसी ऐसी बात नहीं जो बोल रहा कि उसने 50 से 60 के बीच में बनाए हो रीजनिंग और क्वांट मिला के। सबके रीजनिंग प्लस क्वांट अराउंड 45-50 मैक्सिमम किसी ने बोला हो तो अराउंड सबके 42-43-44-45 बने थे। मैं अपने बताऊं तो मेरे भी शायद 40 के अराउंड बने भी नहीं है, मेरे शायद 39 बने हैं रीजनिंग प्लस क्वांट, पर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो वो बैकअप कर देती है। 37-38 कुछ ऐसे बने हैं तो भी उतने कोई अच्छे नहीं है वो अटेम्प्ट्स, पर इंग्लिश में मुझे पता है मेरे 30 के अराउंड आ जाएंगे। फिर जीके है तो ओवरऑल मार्क्स थोड़े एवरेजली ठीक हो जाते हैं, पर इस बार रीजनिंग हार्ड आई थी। आईबीपीएस पीओ से तो रीजनिंग हार्ड थी, रीजनिंग में वहाँ मेरे शायद 28 मार्क्स के अटेम्प्ट थे, यहाँ 15-16 मार्क्स के अटेम्प्ट हुए थे, तो रीजनिंग आईबीपीएस पीओ से कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, फिर मैं थोड़ा फंस भी गया, चीज़ें अलग अलग रहती हैं। पर क्वांट इसकी उसके मुकाबले काफ़ी ईजी थी, तो ओवरऑल कट ऑफ जो पिछली बार थी तो मैं अपने सेट की 98 थी शायद, मेरे सेट की 98-97, तो अगर मैं बताऊं तो मेरे को लग रहा है कि मेरे 73 से 78 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए मेरे स्टेट की। और इस बार वैकेंसी वगैरह का भी थोड़ा रहता है, पिछली बार से वैकेंसी बढ़ी है थोड़ी, तो शायद और हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाए, कहीं वैकेंसी गिरी है, जैसे दिल्ली में शायद वैकेंसी पिछली बार से एसबीआई क्लर्क में कम है, तो दिल्ली में पिछली बार कट ऑफ थी शायद 99, तो दिल्ली में 75 से 80 के बीच में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, पर इस बार वैकेंसीज कम है तो हो सकता है दिल्ली में 80 से ऊपर भी चली जाए। और अगर कहीं किसी स्टेट में वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए राजस्थान में इंक्रीज हुई हैं, मुझे पता नहीं हुई है नहीं हुई है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो और वहाँ पिछली बार कट ऑफ थी 95, तो इस बार वहाँ 72-75 एक बात हो गई, फिर वैकेंसीज बढ़ी हैं तो हो सकता है उनकी वहाँ 68 भी चली जाए, तो कट ऑफ थोड़ी गिर भी सकती है, 71 चली जाए ऐसे। और कहीं अगर वैकेंसीज कम हुई हैं तो थोड़ी बढ़ जाएगी, पर पिछली बार से 20 से 25 मार्क्स लगभग लगभग कट ऑफ कम रहेगी। तो अगर आपके अटेम्प्ट कम हुए, आप सेकेंड शिफ्ट में, खासकर फर्स्ट शिफ्ट का मुझे एकदम इतना पता नहीं है, पर अगर आपके सेकेंड शिफ्ट में 85 अटेम्प्ट हुआ, 90 अटेम्प्ट हुआ, और आप पिछली बार आपके यहाँ 99 कट ऑफ गई थी,
और आपके अभी तो गलत भी होंगे, इंग्लिश में जीके में तो खासकर एक्यूरेसी नहीं पता है कितनी है, और मैं तो 70 ला रहा हूँ, तो 70 एक अच्छा स्कोर है। अगर आप खासकर नॉर्थ ईस्ट वगैरह से हैं, महाराष्ट्र से हैं जहाँ कट ऑफ कम जाती है, तो वह महाराष्ट्र में तो 70 बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपको लग रहा है कि आपके 70 के अराउंड आ जाएंगे, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, खास करके SBI PO मेन्स आने वाला है। SBI PO पे ऊपर से मेरे को थोड़ा दिक्कत भी लग रही है, क्योंकि प्री में मैंने बोला जैसे इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जितने बाकी लोग लाते हैं उससे मैं ज़्यादा लाता हूँ, तो मैं उसे अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ, मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ पर आ जाते हैं। तो इंग्लिश मेरी SBI PO में भी अच्छी जाती, पर SBI PO में क्या हुआ, मेरे को तबियत थोड़ी ख़राब भी थी, पर तबियत क्या उतनी ख़राब थी, मैं वहाँ बैठा तो मैं पेपर में बैठा, पता नहीं एकदम गले में कुछ चले गया क्या हुआ, तो बहुत खांसी आने लगी लास्ट के, मतलब इंग्लिश के सेक्शन में 5-7 मिनट बचे थे और मेरे 10 क्वेश्चन बचे थे, जो मैं आराम से कर लेता क्योंकि वो टाइम टेकिंग वाले नहीं थे, उनमें वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल वाले टाइप के थे, मैं उन्हें कर लेता। एकदम मेरे को खांसी आ गई तो वो सारे क्वेश्चन छूट गए, और कुछ कुछ में मैंने एकदम हड़बड़ी में तुक्के भी मार दिए, 3-4 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा ख़राब चली गया, और उस वजह से माइंड प्रेशर में जीके बोल रहा हूँ रीजनिंग और क्वांट पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा, तो इसलिए SBI PO प्री हल्का सा बुरा गया है। तो हो सकता है उसका मेंस में ना दे रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट वगैरह देंगे हम आपके साथ, क्योंकि अगली इस बार नहीं तो अगली बार तो देना ही है, और IBPS PO मेंस इस बार सिर्फ जीके की वजह से रहा है, तो जीके में मेहनत करेंगे तो IBPS PO में अगली बार काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। इस बार 4-5 महीने में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, अब 4 महीने मैंने तैयारी करी थी 1 जुलाई से चालू, और मतलब कोर्सेज वोर्सेज परचेज करते थे 15 जुलाई हो गए थे, क्योंकि मेरे को 15 अगस्त को मेरा पेपर था, 13 अगस्त को RRB क्लर्क का, उसका मुझे लगभग 1 महीना होता, तो मैंने 12-13 जुलाई से अच्छे से तैयारी चालू करी थी, तो नवंबर में पेपर था, 4-5 महीने में इतना अच्छा स्कोर आया, तो अगली बार तक और अच्छा स्कोर आएगा, तो जीके पे फोकस रहेगा, तो मेंस का तो अटेम्प्ट देने ही देने हैं, खासकर रीजनिंग क्वांट, क्योंकि वो वीक नहीं होना चाहिए साथ साथ में, तो SBI PO मेंस के मॉक टेस्ट तो मैं दूंगा ही, और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह जो भी होंगे। तो अगर आपको वो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।